जयंती के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अशोक सम्राट का जो इतिहास रहा, गौरवपूर्ण रहा है, उसको हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि अशोक जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन का अवकाश देने की मांग करते हैं। हाँ, जल्दी आइए। आज को क्या कोई संकल्प ले रहे हैं? आज की आज हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो जातीय इतिहास है, जन जन तक, गांव से लेकर जिला तक, हर घर में इनका जो स्थिति है और जो गौरवान्वित इतिहास रहा उसको पहुंचाना। सम्राट अशोक वंशज संघ द्वारा आज जयंती का आयोजन किया गया है। सम्राट अशोक ने जो भारत में कार्य किए, जो उन्होंने महानता हासिल किया, आज उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने सर्वण संस्कृति को आगे बढ़ाया और अपनी महापुरुषों को बल पर आगे बढ़ा। उनकी कार्यों को सम्राट अशोक वंशज संघ के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है और सभी को सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, ताकि किसी को छुआछूत का भावना न रहे और सबको सम्मान मिले। यही मूल उद्देश्य है और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने जा रहे हैं। अभी हम लोग का कार्यकारिणी का बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि जो दबे कुचले लोग जो हैं उनके लिए एक आजीविका मिशन स्टार्ट किया जाए, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यही मूल उद्देश्य है। अपने नाम बता दीजिए। डॉक्टर अरविंद कुमार जवाहर, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष, सम्राट अशोक वंशज संघ बिहार। आज जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, का मेन उद्देश्य है, सम्राट अशोक की जयंती आज तक कभी नहीं मनाया गया। आज पहला बार है कि जितना भी केंद्र से लेकर राज्य तक लोग जयंती मना रहे हैं। कल आपका देखे कि भाजपा वाले मनाए थे, आज जयंती वाले मना रहे हैं और हम लोग इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से करें। इनकी जो सम्राट अशोक की जो प्रेरणा है, हम लोग सभी लोगों के बीच में बता रहे हैं और उनका अनुसरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें जो गरीब दलित जो पिछड़े लोग हैं उनको उठाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी गरीब गुरबे हैं सबको कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उठाएं, ये मेन उद्देश्य है। डॉक्टर राजकुमार ठाकुर।